Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Bachon ko dunya mein khush aamdeed. Today I will tell you what is in my school bag. Aaj main aapko batana chahungi ki mere school bag mein kya kya hai. So let's start. My name is Ayesha. I read in class 3. I am 8 years old. My favorite food is burger. My favorite vegetable is spinach. My favorite fruit is orange. My favorite color is orange. My hobby is reading books. My birth date is 18 March. I got first position with 99.4%. My best friend name is Zainab. My favorite teacher name is Miss Sidra. I have two brothers and one sister. I love my country. I am living in Lahore. My favorite place is to visit is Islamabad. And my village name is Batagram. My village name is Lundi Peshawara, district Batagram. It is very beautiful place in Pakistan. I am happy with my family. I am proud to be a Pakistani. Pakistan Zindabad. Register. This is my register. इस पे मैं अपना रफ काम करती हूँ और मैथ्स प्रैक्टिस करती हूँ. माय इंग्लिश बुक, इसका नाम है लैंग्वेज फ्रूट. दिस इज माय आरएनए बुक. हम आरएनए जाते हैं, उधर हम खेलते हैं, आर्ट्स भी करते हैं, उधर हमें बहुत मज़ा आता है. जो कुछ भी हम उधर करते हैं वो हम इस पे लिखते हैं कि हमने आरएनए में क्या क्या किया. माय मैथ्स वर्कबुक, इस पे मैं मैथ्स का काम करती हूँ. दिस इज माय इंग्लिश वर्कबुक, इस पे मैं इंग्लिश का काम करती हूँ. ये मेरी साइंस की बुक है. दिस इज़ माय साइंस बुक, इस पर मैं साइंस का काम करती हूँ. साइंस सब्जेक्ट मेरा बहुत इंटरेस्ट है क्योंकि हम इसमें साइंस में मेरा बहुत इंटरेस्ट है क्योंकि इसमें हम नए नए टॉपिक्स पढ़ते हैं. उसमें ये फूड और इस सारी चीज़ों के बारे में मुझे पता चल जाता है, ब्रेन और हार्ट सारा कुछ. इट इज़ माई सोशल स्टडीज बुक, इसमें हम सोसाइटी के बारे में सीखते हैं. आफ्टर नागिये कॉपीज इट इज माय मैथ्स नोटबुक. तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ आयशा की हैंडराइटिंग वगैरह. तो ये आयशा का टाइटल पेज है. तो अभी शुरू का टर्न में इसलिए अभी इसने कुछ काम नहीं किया हुआ. तो बाकी कॉपीज मैं आपको दिखा देता हूँ. दिस इज माय इस्लामियत, ये मेरी इस्लामियत की नोटबुक. तो इसके अंदर भी मैं आपको दिखा देता हूँ. तो ये आयशा का टाइटल पेज है, आप देख सकते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखी हुई है. और ये इसके बाद पहली शशमाही, तो ये सब चीज़ें आयशा ने लिखी हुई है खुद ही. इट इज़ माई साइंस बुक, ये मेरी साइंस की बुक है, सॉरी नोटबुक है. तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ. तो ये आप देख सकते हैं कि ये आयशा ने खुद ही बनाया है, ब्रेन स्टमक टंग और नोज वगैरह. तो डायग्राम्स आयशा ने बनाई है और यहाँ पे आयशा ने ये काम लिखा हुआ है अपना जो क्लास वर्क होता है.
तो ये आयशा की हैंड राइटिंग है, तो यहाँ पे स्टार भी मिला हुआ है। इट इज़ माई इंग्लिश नोटबुक, ये मेरी इंग्लिश की नोटबुक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आयशा ने इंग्लिश का काम किया हुआ है, सेंटेंसेस ये। दिस इज माई उर्दू नोटबुक, ये मेरी उर्दू की नोटबुक है। तो ये बाहर नाम वगैरह लिखा हुआ है और ये अंदर आयशा लिखा हुआ है अपना इंफॉर्मेशन वगैरह, टीचर का नाम और ये सब कुछ। और यहाँ पे टैग लगा हुआ है पहले सुषमा ही का, और आगे ये आयशा का टाइटल पेज है मेरा तारुफ। तो यहाँ पे आयशा ने अपना नाम लिखा हुआ है और पसंदीदा कलर लिखा हुआ है और स्कूल का नाम किप्स, और किताब पसंदीदा कौन सी है उर्दू, और मेरी बेहतरीन दोस्त ज़ैनब। तो ये सब कुछ आयशा ने किया हुआ है। इट इज़ माई SST नोटबुक, ये मेरी SST की नोटबुक है। तो ये सबसे पहले तो आयशा ने यहाँ पे अपना इंफॉर्मेशन वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि ये देखिए फर्स्ट टर्म आयशा ने लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे टाइटल पेज यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायग्राम सी बनाई हुई है प्लेसेस के बारे में, प्लेसेस चैप्टर, इसलिए इसने कोई भी प्लेस बना लिया। तो अब आगे हम लोग जाते हैं, तो यहाँ पे द मार्केट, तो ये लिखा हुआ है कि मार्केट में क्या क्या होते हैं। ये ग्रेप्स बनाए हुए हैं यानी कि अंगूर, स्ट्रॉबेरीज यानी कि स्ट्रॉबेरीज, और ये स्पिनच यानी कि शिमला मिर्च, और ये कैरेट्स यानी कि गाजर। इस्लामियात बुक, ये मेरी इस्लामियात की बुक है। ये बुक मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इसके अंदर हम इस्लाम के बारे में सीखते हैं कि इस्लाम में क्या क्या हो रहा है। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और इसके अंदर आयशा ये पढ़ती है कि इस्लाम हमें किस चीज़ का दर्श देता है, और हमारे मज़हब के से रिलेटेड इसके अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दुआएं वगैरह भी लिखी हुई हैं, ये भी आयशा पढ़ती है और हिफ्ज़ करती है, और यहाँ पे चैप्टर्स वगैरह भी है, तो ये सब आयशा इनकी रीडिंग करती है। ये है मेरी इंग्लिश की रीडर्स, इसमें हम स्टोरीज पढ़ते हैं। ये स्टोरी है हाउस फॉर सेल, इसकी हम रीडिंग करते हैं और फिर इसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं। तो ये मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ, ये 6 रीडर्स हैं, हाउस फॉर सेल, कम इन, द न्यू हाउस, द प्ले, द सीक्रेट रूम, द स्टॉर्म। तो ये सब आयशा पढ़ती है और फिर इनकी ट्रांसलेशन करती है और अंडरस्टैंडिंग करती है कि स्टोरी में क्या हुआ। तो ये सारी इसके रीडर्स हैं। इट इज़ माई डायरी, ये मेरी डायरी है, इसमें मैं डायरी लिखती हूँ, जो मैं क्लास में करती हूँ वो भी मैं इसके अंदर लिखती हूँ, जो मैं घर में करती हूँ वो भी मैं इसमें लिखती हूँ। ये है मेरी बुक, स्टोरी बुक है, ये मैं फ्री टाइम में पढ़ती हूँ, ये हमेशा मेरी बैग में पड़ी रहती है, इससे मुझे इंग्लिश आ जाती है, इससे मेरी इंग्लिश लर्निंग इम्प्रूव होती है। इट इज़ माई फाइल, इसके अंदर मेरा कलर पेपर सारा कुछ पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है, ये मुझे बहुत काम आती है, ये हमेशा मेरे बैग में पड़ा है। ये कुछ वाइट कलर पेपर्स हैं, और ये डिजाइनिंग पेपर मैंने घर में बनाया हुआ है। तो इसमें आयशा क्लास में एक्टिविटीज़ वगैरह, आर्ट्स वगैरह का काम करती है, और ये आयशा की फाइल है आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए। तो यहाँ पे नीचे आयशा ने कुछ चीज़ें बनाई भी हुई हैं प्रेजेंटेशन, तो वो भी आयशा आपको दिखा देती है। ये आप देख सकते हैं कि आयशा ने खुद प्रेजेंटेशन बनाई है, नाउंस टॉपिक इसका नाउंस है। तो ये भी आप देख सकते हैं आयशा की प्रेजेंटेशन। ये उर्दू की टीचर ने कहा था आपने बना के लाना। तो ये आयशा की कोई एक्टिविटी सी है होमवर्क, तो इसमें आयशा ने लिखा हुआ है गर्मियों की सब्जियों के नाम लिखे, तो ये सब आयशा ने सब्जियां ड्रॉ की है,
और वेजिटेबल्स और साथ में इसके नाम लिखे हैं। ESL stand for English Spoken Language। ये मुझे ESL की टीचर ने दिया है गुड परफॉर्मेंस करने के लिए। तो ये आयशा का अवार्ड्स है। तो ये ESL अचीवर्स यानी कि इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज, तो ये आयशा की क्लास होती है और आयशा की टीचर ने इसकी गुड परफॉर्मेंस पे ये दिए इसे। और ESL का एक और मतलब भी है इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज, तो ये इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज के लिए भी यूज़ होता है और इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज के लिए भी। इट्स ऑल्सो स्टैंड फॉर इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज एंड इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज। दीज आर माई स्मॉल कलर पेपर्स फॉर डिजाइनिंग, कैन सी ऑरेंज एंड ग्रीन। इट इज़ माई स्मॉल डायरी, इसमें मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। बहुत ये मेरी स्टिक नोट डायरी है, इट इज़ माई स्टिक नोट डायरी। इसके अंदर मैंने अपनी मिशन स्टेटमेंट लिखी है, आप देख सकते हैं दो लाइन। तो ये ऐसे ने अपनी मिशन स्टेटमेंट लिखी है, आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। और इसके अंदर मैंने लिखा है माय मिशन स्टेटमेंट, इधर लिखा है आयशा शिराजी, माय एम इन लाइफ इज टू बी अ डॉक्टर एंड टू सर्व द ह्यूमैनिटी। तो ये आयशा का मिशन स्टेटमेंट है। ये है मेरे स्टेशनरी की चीज़ें, ये है मार्कर, ये देखिए आप देख सकते हैं। सुबह दीज आर आयशाज मार्कर्स एंड इट इज़ बोर्ड मार्कर एंड दीज आर द कलर मार्कर्स विच आयशा यूज फॉर डिजाइनिंग इन आर्ट एंड क्राफ्ट एंड शी ऑलवेज कीप दिस मार्कर्स विद हर इन हर बैग। इट इज़ माई ज्योमेट्री बॉक्स, इसके अंदर मेरा पेंसिल वगैरह सारा कुछ पड़ा है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ नज़दीक से। तो ये आयशा की इरेजर्स है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे कुछ शॉर्पनर्स हैं। तो आयशा ध्यान बहुत रखती हैं कि तीन रखती है, अगर कोई चीज़ गुम हो जाए तो आयशा के पास दूसरा हो। तो ये एक साइड था और अब ये दूसरी साइड है। तो यहाँ पे आयशा का पड़ी हुई है पेंसिल, स्केल, और ये आयशा के शायद बैग से उतर गया तो इसने इधर रख दिया। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में जो आइकॉन है उससे आने वाली मेरे हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़।